हाय फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सअप स्टेटस वीडियो एडिटिंग बना सकते हो अपने मोबाइल फ़ोन में हैप्पी दिवाली वाली। ठीक है, तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको काइन मास्टर ओपन कर लेना है। काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पर प्लस के साइन में चले जाना है। आपको जिस भी किसी रेशो में वीडियो बनानी है वो रेशो सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए मैं 1:1 रेशो सेलेक्ट कर लेती हूँ। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको मीडिया में चले जाना है। मीडिया में जाने के बाद पहले तो यहाँ पे से आपको एक फ़ोटो ले लेनी है, ठीक है, ये वाली। उसके बाद इस फ़ोटो पे क्लिक कर देनी, क्लिक करने के बाद इसे एक्सटेंड कर देना है जहाँ तक आपको वीडियो बनानी है। ठीक है, उसके बाद आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना और यहाँ पर से आपको देखिए ये वाली इमेज ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसे हाफ वाली, उसके बाद इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है, फिर इसे भी एक्सटेंड कर देनी है आपके पूरे वीडियो में। ठीक है, उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से देखिए ये हैप्पी दिवाली विशिंग वाली इफेक्ट ले लेनी है और यहाँ पे ऊपर की तरफ रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको एक्सटेंड कर देनी है अपने पूरे वीडियो में। उसके बाद यहाँ पर लेयर में चले जाना है, आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मिल जाएगा ओवरले वाली। ठीक है, इस पर क्लिक कर देनी है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा फायरवर्क पार्टी वाली। अगर आपके पास नहीं है तो आप नीचे गेटमो में जाके इसे ले सकते हो, ठीक है, डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर से आपको ये वाली इफेक्ट ले लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद इसे थोड़ा छोटा कर लेना और इस हैप्पी दिवाली के ऊपर रख देना है। ठीक है, इस वाली इफेक्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद ये वाली जब भी इफेक्ट ख़त्म होती है उसके बाद फिर से आपको लेयर में चले जाना है, ओवरले में चले जाना है और फिर से आपको दूसरी वाली इफेक्ट ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टिक कर देना है, इस वाले इफेक्ट को आपको छोटा कर देना है, फिर से आपको इसके ऊपर रख देना है। फिर वापस यहाँ पर जब ये वाली क्रैकर ख़त्म होती है फिर से आपको लेयर में जाना है, ओवरले में जाना है और यहाँ पर से आपको दूसरी वाली ले लेनी है। ठीक है, फिर टिक कर देना है, फिर इसे थोड़ा छोटा कर देना है, इसके ऊपर रख देना है। ठीक है, तो ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा अपने वीडियो में। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से आपको ये वाली फ़ोटो ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगा क्रॉपिंग का, इसे क्रॉप कर लेना है। ठीक है, फिर यहाँ पर टिक कर देना है, उसके बाद यहाँ पर इसे नीचे की तरफ रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद यहाँ पर साइड में आपको ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, यहाँ पे ब्लेंडिंग में जाना है। ब्लेंडिंग में जाने के बाद इसे स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करने के बाद इस पर क्लिक कर देनी है और यहाँ पर से इसके कलर एडजस्टमेंट आपको कर लेनी है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको सिंपली करना क्या होगा, इस फोटो पे क्लिक कर देनी है और यहाँ पे क्रॉपिंग वाले में चले जाना है, इसे एनेबल कर देना, ये वाली जो इफेक्ट है उसको आपको हाई कर देनी है। ठीक है, फिर इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा, फिर इसे भी एक्सटेंड कर देना है अपने पूरे वीडियो में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपको लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पर से ये वाली इफेक्ट ले लेनी है। उसके बाद यहाँ पर रख देना है, थोड़ा बड़ा कर यहाँ पर रख देना है। रखने के बाद आपको साइड में ऑप्शन मिल जाएगा ब्लेंडिंग का, ब्लेंडिंग में चले जाना है और इसे भी स्क्रीन कर देना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए आपके वीडियो का ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर लेयर में चले जाना है, ओवरले में चले जाना है। ओवरले में जाने के बाद यहाँ पर से देखिए आपको रोटो करके एक इफेक्ट मिल जाएगी, यहाँ पर से आपको एक फ्लावर ले लेनी है और यहाँ पर इसे थोड़ा छोटा कर देना है और यहाँ पर रख देना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे भी एक्सटेंड कर देनी है। तो यहाँ पर देखिए आपके वीडियो का ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और मीडिया में जाने के बाद यहाँ पे से आपको ये वाली इफेक्ट ले लेनी है। ठीक है, उसके बाद इसे थोड़ा बड़ा कर लेना है और यहाँ पे रख देना है। रखने के बाद आपको यहाँ पर देखिए, उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट में क्लिक कर देनी है और यहाँ पर सेंड टू बैक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपके वीडियो का ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। उसके बाद लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से आपको देखिए ये फ्लावर वाले इफेक्ट्स ले लेनी है, इसे थोड़ा छोटा कर देना और यहाँ पे रख देना है। ठीक है, कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसे भी एक्सटेंड कर देनी है अपने पूरे वीडियो में। फिर लेयर में चले जाना है, मीडिया में चले जाना है और यहाँ पे से आपको देखिए बॉर्डर वाले इफेक्ट्स ले लेनी है, इसे फिट टू स्क्रीन कर देना है, फिर इसे भी एक्सटेंड कर देनी है। ठीक है, उसके बाद आपको ऑडियो में चले जाना है। ऑडियो में जाने के बाद यहाँ पर से आपको हैप्पी दिवाली वाली सॉन्ग ले लेनी है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए जो आपकी वीडियो है वो बनकर तैयार हो चुकी है, इसे हम एक बार प्ले करके देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके का ट्रेंडिंग व्हाट्सअप
स्टेटस वीडियो एडिटिंग बनाना चाहते हो आप अपने मोबाइल फ़ोन में तो बहुत आसानी से बना सकते हो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।